आज हम इस वीडियो में जानेंगे सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की ओर से एक नई भर्ती पोस्ट एक्टिवेट किया गया है। यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसे आपको कैसे अप्लाई करना है और आपको क्या क्वालिफिकेशन देना है, सारा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन और आवेदन करने की जो स्टार्टिंग डेट है 9 अक्टूबर 2024, सीआरपीएफ की ओर से ये वैकेंसी पोस्ट एक्टिवेट किया गया, जिसमें आपको सब इंस्पेक्टर मोटर मैकेनिक की वैकेंसी पोस्ट मिल जाएगा। इसमें आपको जो सैलरी मिलेगा लेवल 6 लागू किया गया है, जिसमें आपको 35,400 से 1,12,400 रुपये प्रत्येक महीने की सैलरी है। टोटल आपको 124 वैकेंसी पोस्ट मिल जाएगा। इसे ऑल इंडिया के लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म कैसे फिल करना है, इसके बारे में आपको प्रोसेस बताएंगे। पहले इस भर्ती के बारे में जानते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जो ट्रेड इसमें मांगा गया है, मोटर मैकेनिक व्हीकल का आपका ट्रेड होना चाहिए, या तो आपके पास 3 साल की अप्रेंटिसशिप का कोर्स होना चाहिए इस आवेदन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। इसमें जो डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है, मैक्सिमम 56 वर्ष की आपकी एज मांगी गई है। इसमें टोटल 124 वैकेंसी पोस्ट जारी किया गया है। आवेदन फॉर्म जो डेट जारी किया गया है, उस डेट से लेकर 60 दिन तक यानी कि 2 महीने तक आपका लास्ट डेट रहेगा। तो आप अगर आवेदन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 9 से आप 60 दिन के अंदर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट वहीं निर्धारित हुआ है। इसमें सैलरी के बारे में हमने आपको बता दिया है कि इसमें क्या क्या डिटेल्स बताई गई हैं। सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे, इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये भर्ती ऑफलाइन है, आप सभी लोग को इसमें ऑफलाइन फॉर्म को फिल करना है। आपको आवेदन फॉर्म फिल करने के बाद कहाँ पे पोस्ट करना है, इसके बारे में आपको बताएंगे। जॉब लोकेशन जो होने वाला है, ऑल ओवर इंडिया रहेगा। ये वैकेंसी ऑफलाइन आप लोग अप्लाई करेंगे। पोस्टल जो एड्रेस है, ये एड्रेस है, आपको इस पते पर ये फॉर्म फिल करके बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट करना पड़ेगा। तो कैसे ये सारा प्रोसेस करना है, चलिए इसके बारे में आपको सारा प्रोसेस हम एक एक करके बताते हैं। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसमें आपको कुछ और जानकारी मिल जाएंगी। अगर आपको पढ़ना होगा तो इसे आप रीड आउट करेंगे। इस नोटिफिकेशन में ही आपको फॉर्म मिल जाएगा, वो फॉर्म आपको प्रिंट आउट करनी है पोस्ट करने की। देखिए यहाँ पे एड्रेस आपको मेंशन की गई है, इस पते पे आपको पोस्ट करना है। ये फॉर्म स्टार्टिंग डेट से 60 दिन तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपको ये जरूरी है कि इस फॉर्म को ऑफलाइन फिल करके पोस्ट करना है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करके आप पोस्ट कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पहुँचने में समथिंग 5 से 6 दिन या 7 दिन 10 दिन भी लग सकता है, क्योंकि आपको साधारण डाक के द्वारा इसे पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट इसे नहीं करनी है। तो इसलिए आप फॉर्म फिल करके आप बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आवेदन फॉर्म आपको इस नोटिफिकेशन में ही मिलना है, आपको नीचे करना है। यहाँ पर देखिए ये है आवेदन फॉर्म, आपको इसे A4 साइज़ में प्रिंट आउट करनी है। प्रिंट आउट करने के बाद आपको इसे फिल करनी है, आपको ये पेज प्रिंट आउट करनी है, इसके बाद नीचे का ये पेज प्रिंट आउट करनी है। ये दोनों पेज आपको प्रिंट आउट करना है, नीचे का जो ये पेज है इसे आपको प्रिंट आउट नहीं करनी है। जो एम्प्लॉयर रहेंगे वो इसके लिए है, तो ये अपना डिटेल्स आपको फिल करके इसे कंफर्म वेरीफाई करना है, तो ये आपको प्रिंट आउट नहीं करनी है। सिर्फ आपको 2 पेज प्रिंट आउट करनी है, ये आपको पेज प्रिंट आउट करना है, इसके बाद ये पेज प्रिंट आउट करना है। ये है एप्लीकेशन फॉर्म, इसे कैपिटल लेटर में आपको फिल करनी है। सारा डिटेल्स जो आप फिल करेंगे इसमें कैपिटल लेटर में आपको फिल करनी है, और आपको एक फ़ोटो भी चिपकाना है इसमें, और इसके साथ आपको एक और फ़ोटो देनी है, और इसे लिफाफे में बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट करना है। सारा जो डिटेल्स आप मेंशन करेंगे, जो क्वालिफिकेशन आप लिखेंगे, वो सभी चीज़ आपको एक लिफाफे में, बड़े लिफाफे में आपको लिख कर इसे पैक करना है, और इसके बाद आपको बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट करनी है। लिफाफा किस प्रकार से होगा, चलिए ये भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए लिफाफा कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, ये लिफाफा बड़ा लिफाफा रहेगा जिसमें आपका नाम और आपके पिता का नाम और आपका एड्रेस रहेगा। इसके बाद कौन से पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, वो पोस्ट का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। ये मैंने किसी और पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करने का प्रोसेस दिखाया तो वो यहाँ पे मेंशन है। आपको यहाँ पे जो अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर का, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद जहाँ पोस्ट करना है वो पोस्ट करने की एड्रेस, और इसके बाद 2 लिफाफा और आपको मेंशन करनी है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कोई भी डिटेल्स है तो उसके लिए आपको जब बुलाएंगे तो वो आप इस लिफाफे में वो पोस्ट करके आपको भेजेंगे। तो यहाँ पे अपना नाम और अपना डिटेल्स और अपने पिता का नाम ये सब लिख कर आप बाई पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट करेंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपको इस बड़े वाले लिफाफे में रखना है, और ये 2 आपको लिफाफा जो छोटा वाला है ये भी इसी में रखना है। इसके बाद आपको इसे पैक करना है, और इसमें आपको 2 पासपोर्ट साइज का फोटो भी रखना है। इसके बाद इसे पैक करके आप पोस्ट ऑफिस पे जाइए और वहाँ पे
भाई पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप पोस्ट करेंगे, ये साधारण डाक के द्वारा आपको पोस्ट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे देखिए सारा प्रोसेस बता दिया कि कैसे कैसे ये कंप्लीट प्रोसेस करेंगे। आपको जानकारी के लिए ये सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स हमने बताया है। कंप्लीट आपको फॉर्म फिल करना है भाई, पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट करना है। ये ऑफलाइन वैकेंसी है, ऑनलाइन ये वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको सारा प्रोसेस इसमें और इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल्स बता दी हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कोई सवाल होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद।